अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां है शेफ असल तांडी सुपर कुकिंग शो में दा सब खैरियत सां हुंदा। मज़ेदार रेसिपीज अज तां जे ला थोड़ो डिफरेंट खणी आयो। एक ठायो पिया मिठो, मां तांखे कल चयो कि मिठो ठाहिण सिखा पियो। हे छा है? फ्रेंच टोस्ट। फ्रेंच टोस्ट ठहंदा आहिनि जेको नाश्ते में बि खाया वेंदा आहिनि, शाम जो बि, ऐं ॿारनि खे बि ॾेई सघो था लंच बॉक्स में ठाहे। हुन सां गॾु ठाहियो पिया चटखारा कबाब पटाटनि सां गॾु, तमामु बहितरीन ही ठहे थो चटखारा कबाब। हिन जी कोटिंग जेका मसालनि सां गॾु थींदी ऐं तमामु बहितरीन ही रेसिपी आहे। सुभाणे 9 बजे रिपीट हलंदो। स्क्रीन ते हले पियो नंबर, हुन ते कॉल करे सघो था। हुनखे सेफ कयो, का बि फरमाइश करणी हुजे, कुझु बि पुछणो हुजे, हुन ते कॉल करे सघो था। एनएक्स असां सां गॾु आहे। एनएक्स में आहे जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन वग़ैरह सभु अवेलेबल आहे। ऐं जेके कबाब ठाहियूं पिया, ही अधु किलो खां 3 पाताई जी रेसिपी आहे। ठीकु आहे, अॼु की जो हम रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही डिफरेंट मज़ेदार रेसिपी बना रहे हैं। एक बना रहे हैं हम चटखारा कबाब जो आलू के साथ बनेंगे। ठीक है, चटखारा कबाब एक डिफरेंट किस्म की रेसिपी है और उसके साथ हम बना रहे हैं फ्रेंच टोस्ट। फ्रेंच टोस्ट क्या है कि ब्रेड के स्लाइसेस को हम कोट करके फ्राई करते हैं। उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रहा हूँ, बच्चों को भी दें, सुबह नाश्ते में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और उसके अलावा कोई गेस्ट आ रहे हैं तो भी साइड में बना के रख सकती हैं, लंच बॉक्सेस में भी बच्चों को दे सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चटखारा कबाब। और एनएक्स हमारे साथ, एनएक्स का जूसर, ब्लेंडर, चॉपर आपके सामने मैं यूज़ करता हूँ, ग्राइंडर वगैरह ये अपने मार्केट में अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम कबाब की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए होगा चॉपर एनएक्स का। ठीक है, एनएक्स का चॉपर चाहिए होगा। एनएक्स का चॉपर में हम करेंगे, अगर चॉपर नहीं है तो आप बिल्कुल बारीक कटिंग करके इमाम दस्ते में कूट के भी कर सकती हैं। ठीक है, एनएक्स जो चॉपर असां इस्तेमाल कंदासीं, तकरीबन ही हर घर में चॉपर मौजूदु हूंदा। अगर न आहिनि त उखरी मोरी में कुटे भी करे सघो था, या हुनजे अलावा तव्हां बिल्कुल बारीक कटिंग करे भी करे सको था। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लेना है, यहाँ पे लेने हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज। अच्छा, ये चॉपर कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा इसके अंदर, लेकिन अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो फिर आप बिल्कुल बारीक ऑमलेट की तरह कटिंग करके, जैसे हम कबाब में प्याज डालते हैं उस तरह आप इसमें ऐड करेंगे। 2 अदद अच्छे प्याज होने चाहिए, मीडियम साइज़ के, बहुत छोटे ना हो। ठीक है, इसके बाद हम डालेंगे इसमें अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, यानी 1 टेबल स्पून जितनी अदरक, बसर भी छड़िया, अदरक जी क्वांटिटी 1 खाने के चमचे जितनी हुए, इस तरह टुकड़े करके डाल दें। अगर पेस्ट है तो पेस्ट भी ऐड कर सकती हैं। ठीक है, और इसी तरह हमने लहसुन के जवे ले लिए 1 टेबल स्पून जितने, 6 से 7 बड़े जवे। अगर बारीक वाले देसी लहसुन है तो वो 8 से 10 लीजिएगा। ठीक है, थूम जी घणियूं, अगर देसी है ना बारीक वाली तो 8 का 10 खणजो, अगर मोटी चाइना वाली थूम है तब कुछ 6-7 खड़ी वर्जो। ये डाल दी लहसुन 1 खाने का चम्मच, अदरक 1 खाने का चम्मच, प्याज 2 बड़े साइज़ के, बहुत बड़े ना हो, मीडियम साइज़ के, यानी 1.5 कप जितना आपके पास प्याज होना चाहिए कटा हुआ। हरी मिर्चें मोटी कढ़ाई गोश्त में जो डालते हैं हम, ये थोड़ी नॉर्मल होती हैं और एक बारीक तेज़ होती है, वो आपने डालनी है 1, और ये वाली हैं तो 2। साओ मिर्च अगर बारीक वारो है, तेज़ वारो तो 1, मोटा वारा जी होता है ना ये थोड़ा एडा तेज़ ना होता है, ये तब 2 विझंदासीं। ठीक है, इसके बाद 1/2 गट्ठी हरा धनिया और 1/2 गट्ठी पुदीना। पुदीना के पत्ते अच्छी तरह वॉश करके डंडियों से हटा के 1/2 गट्ठी पुदीना और 1/2 गट्ठी हरा धनिया, 1/2 गट्ठी पुदनो, ठीक है, 1/2 गट्ठी सावा धाना। यहाँ तक की रेसिपी दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, चटखारा कबाब बन रहे हैं जिसके लिए चॉपर में 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटिंग करके डाल दें, अदरक और लहसुन 1 खाने का चम्मच साबित डाला है या चॉप करके भी डाल सकती हैं, हरी मिर्चें तेज़ हैं तो 1, नॉर्मल हैं तो 2, हरा धनिया आप डालेंगी 1/2 गट्ठी और पुदीना के पत्ते 1/2 गट्ठी। ठीक है, अब ये डालने के बाद हम लेंगे 3 डबल रोटी के स्लाइस, इस तरह हाथ से चॉप करके 3 डबल रोटी जा स्लाइस। ठीक है, मीडियम साइज़ जी होता है, अगर सफ़र नंडी ब्रेड है तो 4 खड़ी वर्जो, अगर छोटी ब्रेड है ना तो उसके 4 स्लाइस लेने, वरना नॉर्मल साइज़ की जो ब्रेड होती है तो इसके 3 स्लाइसेस आपने इस तरह तोड़ के डाल देने, और अब इसको हमने चला देना। इतना चलाना है कि बिल्कुल मिक्सचर बहुत अच्छा सा बन जाए। ठीक है, ये देखो तमाम बेहतरीन की समझो मिक्सचर तैयार थी वो। ठीक है, अब इस मिक्सचर को एक बॉल में निकालेंगे, और अगर आपके पास इमाम दस्ता, ये मशीन नहीं है चॉपर, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने बारीक बारीक कटिंग करके सब चीज़ें डालनी है। ठीक है, बिल्कुल हाथ से बारीक कटिंग करके सारी चीज़ें इसमें मिलानी है। अब यहाँ पर हमने एक प्याला लेना है जिसके अंदर हमने ये मसाले का जो चॉप किया था मसाला सारा, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे।
सजो मसालों कटी वरतो। ये तमाम बेहतरीन रेसिपी है। ढा डिफरेंट किस्म जहाँ ही कबाब ठंडा है। ठीक है, ये डालने के बाद अब इसमें ड्राई मसाले जाएंगे। ठीक है, इनमें आने खुश्क मसाला भी वेंदा। ये सजो मसालो मलाई चना ये सारा उतार दिया। अब इसमें हमने ड्राई मसाले डालने। ड्राई मसालों में क्या जाएगा, इसमें सबसे पहले तो हम लेंगे यहाँ पे अब आलू। आलू के ही कबाब हैं, आधा किलो से तीन बार जितने आलू आपने लेने हैं। छील के क्यूब्स करके इसको बॉयल करके पानी खुश कर दें और ये मिक्सचर हाथ से आपने मैश कर देना। ठीक है, ये आधा किलो से तीन पाव तक होना चाहिए आलू का मिक्सचर। ठीक है, आधे किलो का ट्रे पाता ही पटाटन जो मिक्सचर आए यो वी जी छो। अब ये डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे लेमन का जूस। लेमन के जूस से इसमें क्या होगा, बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। लेमन का जूस इसमें जाएगा एक खाने का चम्मच, एक खाने जो चमचो लीमे जो रस में दो। ये आधा लेमन डाल रहा हूँ, वन टेबल स्पून जितना लेमन का जूस चला गया। थोड़ा बढ़ा भी सकती हैं, ठीक है, दो खाने के चम्मच भी कर सकती हैं। तो एक खाने का चम्मच लेमन का जूस चला गया। इसके बाद हम इसमें मसाले क्या डालने वाले हैं, ये आपने गौर से देखने। सारे मसाले वही हैं जो हमारे पास मौजूद होते हैं। सजा मसाला ओएन जेके सावट मौजूद होता है। ज़ीरा कुटावा एक खाने का चम्मच, साबित धनिया कुटावा डेढ़ खाने का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला एक चाय का चम्मच, तंदूरी मसाला ये मार्केट में मिल जाते हैं साशे, जो चिकन तंदूरी मसाला होता है ना वो आपने डालना, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, एक से डेढ़ चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, और यहाँ पे अजवाइन है, अजवाइन जाएगी इसमें आधे चाय के चम्मच से कम। ठीक है, थोड़ी सी डालनी है, क्वार्टर टीस्पून चौथा चाय का चम्मच अजवाइन। ज़ीरा कुटावा एक खाने का चम्मच या डेढ़ चाय का चम्मच भी कर सकती हैं, साबित धनिया कुटावा डेढ़ खाने का चम्मच भर के, ठीक है, तवे के ऊपर सेक के दोनों को फिर आपने कूट के डालना है। नमक आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला एक चाय का चम्मच, तंदूरी मसाला ज़रूर जाएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा क्योंकि चटखारा कबाब है। तो एक से डेढ़ चाय का चम्मच तंदूरी मसाला, एक चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय के चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, अजवाइन चौथा चाय का चम्मच। हाँ, इनमें मसाला छा छा वेंदा, एक गौर सा नोट कजो, ज़ीरो कुटियल एक खण जो चमचो या डेढ़ चाय जो चमचो खण जो तए के मथा सेके पो कुटजो, साबित धाणा डेढ़ खण जो चमचो तए के मथा सेके पो कुटंदो। ठीक है, लूण अध चाय जो चमचो, चाट मसालो एक चाय जो चमचो, तंदूरी मसालो ही मार्केट में मिली वेंदो आ चिकन तंदूरी मसालो यो डेढ़ चाय जो चमचो खणी वठजो, कुटियल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, पीठल गाढ़ा मिर्च अध चाय जो चमचे का थोड़ा मथे फुल भरे ना विझजो। ठीक है, आई छा कर दिन में सावा मिर्च भी है, कुटियल गाढ़ा मिर्च भी है, मसाला भी है, तो स्पाइसी वधीक ना थी। गरम मसालो पाउडर अध चाय जो चमचो, अजवाइन विझंदो चौथो चाय जो चमचो। अभी सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें चले गए। ठीक है, ये डालने के बाद आपने अच्छी तरह इसका मिक्सचर बनाना है। उसके बाद हाथ गीला करके आपने इसके कबाब बनाने, और कबाब बनाने के बाद ये चटखारा कबाब है तो एक मसाला और भी पड़ा हुआ है जिसकी हम मिक्स करके इसकी कोटिंग करेंगे। ये आपने देखना है किस तरह बनेगा। अब ये सारा मिक्सचर आपने अच्छी तरह मिक्स कर देना है। ठीक है, ब्रेड क्रम अगर ये इस तरह आपके पास मशीन नहीं तो फिर आपने ब्रेड क्रम का इस्तेमाल करना है। ठीक है, एक कप ब्रेड क्रम इसमें जाएगा, बाकी मसाले सारे हरे मसाले प्याज वगैरह आपने चॉप करके डालने। अगर है मसालो तहाँ वट मशीन ना आए तो पुता ब्रेड क्रम जो इस्तेमाल कर, डबल रोटी जो ब्रेड क्रम जो हों वो एक कप विझो। ठीक है, आई उनके अलावा बाकी सावा मसाला जो ना ये सब तुम इन अंदर कटिंग करे बारीक विझंद, डंडियों ना होजन खपन। ठीक है, ना सावा धाणा ना पूतने में। अब ये अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है और आधा घंटा आप इसको या 20 मिनट कवर करके रखेंगी, लेकिन वही हमारे प्रोग्राम की जितनी टाइमिंग होती है उस हिसाब से मैंने आपको कंप्लीट करके दिखानी, तो मैं इसको कवर करके नहीं रखूँगा, आपने 10 मिनट इसको कवर करके रखना है। ठीक है, सारे मसाले को अब ये हो गया है। अब क्या करेंगे, हाथ गीला करेंगे, एक प्याली लेते हैं और हाथ गीला करके फिर आपने सारे कबाब बनाने और एक प्लेट रखते हैं साथ। ये देखें, पहले मैं कबाब बनाता हूँ, उसके बाद इस प्लेट में मैं दूसरे मसाले बनाऊँगा। ठीक है, एक प्लेट रखूँ था आई हथ आलू करी चंगी तरह, दोनों हाथ गीले करके आपने
कबाब बनाने में थोड़ा सा मसाला साफ कर दूँ फिंगर से, और ये हमारे फिर चटखारा कबाब तैयार हो जाएंगे। अब हाथ गीला करें या ऑयल से करें या पानी से, इस तरह आपने मिक्सचर लेना है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा जितना शामी कबाब बनाते हैं या जैसे कबाब कटलेट्स बनाते हैं ना उस तरह। अब वो शेप आपके ऊपर है, आप किस तरह का देना चाहती हैं। ओवल शेप दे रही हैं, इस तरह अंडे के शेप में बनाना चाह रही हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ओवल शेप बनाऊँगा इस तरह करके। बहुत ज़्यादा पतले नहीं होने चाहिए क्योंकि इसकी हमने एक कोटिंग भी करनी है। ये कबाब बना के मैं यहाँ पर रखता जा रहा हूँ। ठीक है, इन तरीके से कबाब ठाईंदा वेंदासीं ऐं हल्के हथ से दबाए इनके हल्का सा ओवल शेप देके फिर आप इसको प्रेस कर लें इस तरह। एक दफ़ा फिर बना के रख दें, फिर इसको आप फ्रीज़ भी कर सकती हैं। ठीक है, फ्रीज़ भी कर सकती हैं। जब फ्रीज़ करेंगी तो उसके बाद आपने इसको निकाल के फौरन आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा रखना नहीं, क्योंकि आलू के जो कबाब होते हैं ना, कटलेट होते हैं, ये क्या होता है कि पानी छोड़ देते हैं फ्रीज़र में रखने के बाद, तो इसलिए हमने इसको ज़्यादा फ्रीज़र में निकाल के फौरन फ्राई करना है। इन तरीके से इनकी ठाईंदा विंदासी, बिल्कुल इजी रेसिपी है। ठीक है, इस शेप में बनाएं या गोल शेप में बनाएं या ओवल शेप में बनाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। रेसिपी पूरी रिपीट करा रहा हूँ। चटखारा कबाब बन रहे हैं, चटखारा पोटैटो के बन रहे हैं। ठीक है, पोटैटो चटखारा कबाब। तो इसके लिए हमने क्या लिया, सबसे पहले आधा किलो से तीन पाव जितने आलू आपने लेने हैं, और उसको छील के फिर आपने इसको बॉयल करना है क्यूब्स में कटिंग करके, या साबित भी बॉयल करती हैं, लेकिन साबित में क्या होता है गुठली रह जाती है अक्सर अंदर, तो छील के आपने बॉयल कर देना है। बॉयल करके ठंडा करके फिर आपने मैश कर देना है, अच्छी तरह मैश करके साइड में रखेंगी। फिर चॉपर में हमने दो बड़े प्याज मीडियम साइज़ के, बहुत बड़े नहीं, मीडियम साइज़ के प्याज वो कर दिए। ठीक है, डाले उसके बाद अदरक एक खाने का चम्मच, लहसुन एक खाने का चम्मच, दो मोटी वाली हरी मिर्च या बारीक है तेज़ है तो एक हरी मिर्च डालेंगी। उसके बाद आधा गट्टी हरा धनिया और आधा गट्टी पुदीना, ये सब चीज़ें डाल के, और तीन ब्रेड डबल रोटी के स्लाइस आप डालेंगी। ठीक है, उसके बाद आपने उसको चॉपर में चला देना। चॉपर में चलाने के बाद उसको आपने निकाल के आलू में मिक्स करना है। लेमन जूस डालना है एक खाने का चम्मच, उसके बाद इसमें डाली पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, उसके बाद चाट मसाला एक चाय का चम्मच, तंदूरी मसाला एक से डेढ़ चाय का चम्मच, चिकन तंदूरी मसाला जो मिलता है, उसके बाद सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटावा डेढ़ चाय का चम्मच या एक खाने का चम्मच डाल दें, और डेढ़ खाने का चम्मच आपने साबित धनिया भुना कुटावा डाल देना। उसके बाद अजवाइन इसमें जाएगी आधा चाय के चम्मच से कम, चौथा चाय का चम्मच। ठीक है, सब चीज़ें डाल के अच्छी तरह मिक्स किया, और गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच। मिक्स करने के बाद आपने इस तरह हाथ गीला 10-15 मिनट रखेंगे, उसके बाद हाथ गीला करके आपने कबाब का शेप देना है। हाथ गीला करके इसलिए बनाते हैं कि कबाब जो है ना वो चिपकते नहीं है हाथ पे, मसाला चिपकता नहीं है, बहुत अच्छे शेप बन जाता है। तकरीबन 12 कबाब बने इस क्वांटिटी में, 12 कबाब बनेंगे। अगर छोटे बनाना चाहती हैं तो 15 से 16 कबाब बनेंगे, लेकिन ये जो मैंने साइज़ रखे हुए ना ये स्टैंडर्ड साइज़ हैं। ठीक है, तो उसमें प्लेटर में जगह नहीं, बाकी मैं चॉपिंग बोर्ड के देखें, प्याला खाली हो गया और ये पूरे 12 कबाब बने हमारे। ठीक है, प्यालो खाली थी और पूरा 12 कबाब थे। जल्दी बनने वाली रेसिपी, और इसको आप रोटी के साथ, ब्रेड के साथ, वाइट राइस के साथ, जैसे आपको अच्छे लगें आप खा सकती हैं। ठीक है, मानी सा गड, अच्छे चावरन सा गड, या मेहमान अचन पिया, काफ़ी सारी शयूं ठाहे तो माण्हू समझ न सोचे छा ठाहियूं, त इन तरीक़े जा भई कबाब ठाही रखी सघो त माण्हुनि महिमाननि जे अॻियां बिल्कुलु डिफरेंट ऐं मज़ेदार रेसिपी आहे। अब इसकी कोटिंग कैसे करनी वो मैं आपको बताता हूँ। एक प्लेट ली, सीधी प्लेट हो, इसमें हमने क्या डालना है, यहाँ पे ये है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी एक से डेढ़ चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, साबित धनिया कुटावा दो खाने का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा कुटावा डेढ़ चाय का चम्मच, ठीक है, या एक खाने का चम्मच भी कर सकती हैं, चाट मसाला डेढ़ चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, और तंदूरी मसाला एक खाने का चम्मच। दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, ये कोटिंग के लिए मसाले, वो अलग थे ये अलग हैं। ठीक है, कसूरी मेथी एक से डेढ़ चाय का चम्मच भर के, पिसी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, साबित धनिया कुटावा
एक खाने का चम्मच से डेढ़ खाने के चम्मच ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ज़ीरा कुटा हुआ डेढ़ चाय का चम्मच, चाट मसाला भर के डेढ़ से दो चाय के चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच और तंदूरी मसाला इसमें डालेंगे डेढ़ खाने का चम्मच। कसूरी मेथी जो खुश्क मेथी होंगी है ना, ये तुम विझो एक का डेढ़ चाय जो चमचो। पीठल गाढ़ा मिर्च, कुटियल गाढ़ा मिर्च एक एक चाय जो चमचो। साबित धाणा जो गोल वारा होंगे ना, ये विझो कुटे एक का डेढ़ खाने जो चमचो, डेढ़ खाने जो चमचो खानी वर्जो। जीरो डेढ़ चाय जो चमचो कुटियल। चाट मसालो एक का डेढ़ चाय जो चमचो, लूण अध चाय जो चमचो। ये है तंदूरी मसालो डेढ़ खाने जो चमचो। अब ये सारे मसाले ना ड्राई आपने मिक्स कर देने हैं आपस में। साजा मसाला है कंधा से मिक्स। देखिए ये मिक्स हो गया, ये कोटिंग होगी, ठीक है। ये सजा मसाला जो कहते मिक्स के हैं ना, ये थिंदी कोटिंग। अब ये सारे अच्छी तरह मसाले आपने मिक्स करने, नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। अब हमने क्या करना है, जब फ्राइंग पैन ऑन करेंगे ना इसको फ्राई करने के लिए, तो यहाँ पे रखेंगे फ्राइंग पैन। ऑयल बहुत कम क्वांटिटी में आपने यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑयल लेना है कितना, 6 से 7 खाने के चम्मच। सिर्फ कोटिंग को हमने पकाना है क्योंकि कबाब का मसाला सारा बॉयल्ड है, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हमने अलग से करनी। अभी उठाया कबाब, इसको सेट करें। ये जो मसाला इसमें आपने कबाब रखा इस तरीके से, कि तो ज़बरदस्त थी वो। ये है चटखारा कबाब, इसको हाथ से इस तरह सेट करें, जो मसाला गिर रहा है वो गिरने दें, ठीक है। इस तरह इसी के ऊपर पकड़ के रखें। बहुत ज़बरदस्त चटपटे से कबाब हैं, इसको रायते के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बन गया, ठीक है। इस तरह ये कबाब बनेंगे और इसको हम रखते जाएंगे यहाँ पे। आँच बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए ताकि मसाला जल के काला ना हो जाए और कबाब की कोटिंग अच्छी हो। फिर उठाया दूसरा हाथ पे सेट किया। शेप गोल रख लें या ओवल रख लें, ठीक है। शेप जेको भी तरह रखन दो, मसाले के सेंटर में कर दो, हिंजे मथा रखियो हियाँ इस तरीके से, चारों तरफ से घुमाया हल्की हल्की। बहुत ज़्यादा ओवर कोटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आ रही है ना बस ऐसे ही आने दें। इसको सेट करते जाएं मसाले को और ये इस तरह रखते जाएं। ये हैं चटखारा कबाब, ठीक है। इस तरीके से घुमाइंदा विंदा, बिल्कुल डिफरेंट और मज़ेदार ये रेसिपी है। इस पे कसूरी मेथी भी लगी हुई है, इस पे ड्राई मसाले लगे हुए हैं सारे कुटे हुए पिसे हुए, तो बड़ा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। इस तरह आपने उठाया दोनों तरफ से, इसको हल्का सा घुमाएं और फिर इसको झाड़ते जाएं इस तरह करके, जितना जितना मसाला। बहुत ज़्यादा दबा दबा के मसाला इसके ऊपर नहीं लगाना, ताकि मसाला इस तरह हल्का सा उठा के, बस हल्की हल्की कोटिंग करनी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना है, इसको हल्की हल्की कोटिंग करनी है, इलाही वधीक ना थी। ब्रेक का टाइम हो गया है, एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ठीक है। एक शॉर्ट ब्रेक वठूँ तो जैसे ही सजा कबाब फ्राई करें मैं कटा तो कोटिंग करें वठूँ तक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजीम। ब्रेक होने का पहले सामू जो कबाब ठाया हुई थे मैं रखी छे, ये आप देख सकते हैं प्लेटर दिखा जो, ये कबाब मैं यहाँ पे रखता जा रहा हूँ और बाकी फ्राई कर रहा हूँ। और चूल्हा आपने बंद कर देना, जब तक अगर तेज़ आंच होती जाएगी चूल्हा आपका जलता रहेगा। जब आपने दोबारा कबाब एक बेंच निकाल दिया दूसरे के लिए, फिर आपने चूल्हा बंद करके, क्योंकि ऑयल की क्वांटिटी जो है ना वो उतनी रहनी चाहिए और ऑयल गर्म ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कबाबों को बस कोट करते जाएं अच्छी तरह। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है, ठीक है। तमाम बेहतरीन किस्म जी, देखो इतने 12 कबाब ठहरा हैं इन क्वांटिटी में, ठीक है। इस क्वांटिटी में 12 कबाब हमारे बने हैं, और अगर आपने ज़्यादा बनाने हैं तो फिर आपने हर चीज़ की क्वांटिटी बढ़ानी है। 1 किलो तक अगर आपने बनाने हैं, ठीक है, मींस कि आलू अगर 1 किलो हैं तो प्याज और मसाले सब की क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है। ये 3 पाव के करीब में हमें, या 650-650 ग्राम ऐसे ही था आलू का मिक्सचर ना, तो इस तरह देख लीजिएगा आप लोगों ने अंदाज़ा से। बाकी बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, रायता सिंपल। आप देखें जो मसाला मैंने बनाया था ना प्याले में, आप देखें कोई ज़ाया नहीं हो रहा। जेको मसालो मु उठायो ही बिल्कुल पूरो थी वो है, जितनी क्वांटिटी में कोटिंग वारो मसालो मैं तक बुधा ना उन्हीं क्वांटिटी में ही रिसो जो प्यालो मोटा हाँ खाली थी वो, ठीक है। ये पूरा मसाला हो गया, ना ज़्यादा था मसाला ना मैंने कम बनाया कि बाद में ज़ाया हो तो आप परेशान हो अब इसका क्या करें। तो ये पूरे 12 कबाब हैं हमारे, या 15 भी बनाती हैं छोटे, तो ये मसाला आपका
पूरा हो गया। देखें प्याली बिल्कुल खाली हो गई। इसको हाथ से थोड़ा सेट करना है जब मसाला लगा दें। अब मैं दोबारा चूल्हा ऑन कर रहा हूँ, मैंने बंद कर दिया था क्योंकि एकदम ये होता है कि फिर कबाब ज़्यादा जलना शुरू हो जाता है मसाला, तो फिर वो मसाला जला हुआ जब आप खाएंगी कबाब में तो अच्छा टेस्ट नहीं आता। इससे जो हम हैंड वॉश के चला हिनखा पोसा खाएंगे, सी मिठो एक ज़बरदस्त, ठीक है। एक मीठा बनाएंगे जो हमारा ब्रेकफास्ट के हिसाब से है नाश्ते के लिए, और वैसे भी शाम में भी आप बना के, अब जो जो कबाब आप पहले रखते जाएँ उसको पलटाते जाएँ, ठीक है। टूटने नहीं चाहिए कबाब, बहुत एहतियात से आपने उठा के पलटाने। अहीं जो को मसालों बची हुए हो ना ऑयल में, इन ऑयल के छाने वट जो पोता बाद में कहीं भी शे में फ्राई करने में, भिंडी फ्राई करने में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अकीला कैसी हैं आप? अच्छा अच्छा ठीक ठीक। मौसम कैसा है वहाँ का? मौसम तो माशाल्लाह अच्छा है, अब गर्मी वगैरह नहीं है, बीच में 2-3 हफ्ते गर्मी रही है लेकिन बारिशों की वजह से महसूस नहीं हुआ। ठीक, आज की रेसिपी देख रही हैं? अभी लाइट आई है तो मैंने टीवी ऑन किया तो आप आ रही थी, मैंने कहा पहले मैं कार का भी सुबह रेसिपी देखूं। चलें रेसिपी देखिएगा, नहीं तो रिपीट में देखिए, बहुत ही मज़ेदार ये आलू के कबाब बना रहा हूँ, चटखारा कबाब। अच्छा अच्छा ठीक, इसके बाद एक मीठा भी बना रहा हूँ डबल रोटी का। अच्छा अच्छा चलें, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत छींक आ रही मुझे। ओके जी अल्लाह हाफिज़। मसालों से छींकें आना शुरू जाती हैं तो बहुत एहतियात से, ताकि मसाले जो है कबाब है ना आपके टूटे ना, ठीक है। इसको बहुत एहतियात से हम पलटाते हैं, कबाब आसान है टूटन ना। ज़रा सा भी इसमें देखें, इसको हल्का हल्का मैं पलटाता जा रहा हूँ, कबाब हमारे टूटे ना। चूल्हा थोड़ा तेज़ कर दें ताकि कबाब अगर पानी भी छोड़ता है ना मसाले के साथ तो वो बैलेंस हो जाएगा। अब ये वाला कंप्लीट हो गया, ये उठा के इधर रखेंगे। कितना ज़बरदस्त है, थोड़ा सा थदा थींदा ना टेम्परेचर थींदा तो बिल्कुल परफेक्ट थींदा। फिर पलटाएं और इसको भी उठा लेते हैं, आराम आराम सा थजा कबाब खणंदा वंजो। ये चटखारा कबाब एक डिफरेंट सी रेसिपी है और इसको आपने ट्राई करके फिर मुझे बताना है, और YouTube पे भी अपलोड हो जाता है, अगर लाइट का कोई इशू है तो YouTube पे भी अपलोड हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? ये फरमाना बोल रही थी दोस्त से। जी कुछ कहना चाहेंगी? जी आपसे फरमाइश करनी थी। बिल्कुल कीजिए। गुठली, उसमें गुठली बन जाती है या क्या होता है? असल में क्या है कि जो शीरा बनाती ना उसकी मेजरमेंट सही नहीं होगी, चाशनी आपकी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती होगी ना, तो वो चाशनी सही है, चाशनी का मैं जब काम करती हूँ वो आटा सही नहीं बनता। ठीक है, अब मैंने ना गुलाब जामुन बनाने हैं 2-3 दिनों में ना, तो आपको ब्रेड से बनाना सिखाऊंगा गुलाब जामुन, ठीक है, और सूजी के गुलाब जामुन, तो वो देखिएगा बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जो हम मिठाई की दुकान से लाते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, थैंक यू। ये देखिए हमारे चटखारा कबाब तैयार हो गए, ठीक है। ये चटखारा कबाब तैयार थे, अना इनमें जगह ना है तो मैं अलग सा रखी चले, 12 कबाब थे हमारे, ठीक है। इस तरह आपने बनाने हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और अंदर से जूसी। बस ये कि बहुत ज़्यादा जब आप आलू को बॉयल करती हैं ना तो अगर आपको लगता है कि आलू, आजकल लाल आलू आ रहा है ना वो फीका है, सफ़ेद आलू आ रहा है जो मीठा है, सफ़ेद आलू जो आ रहा है ना उसको बॉयल करें तो थोड़ा सा पानी, नमी आ जाती है उसके अंदर, मॉइस्चर बनता है। अगर इस तरह हो भी रहा है ना तो फिर आपने क्या करना है, आलू का जो मिक्सचर हाथ से बना लेंगी ना उसके बाद आप उसको आधा घंटा फ्रिज में रखें, अगर आपको लगता है, अगर जल्दी बनाने तो फ्रीज़र में रख दें 15 मिनट के लिए, तो थोड़ा सा सेट हो जाता है, उसकी मॉइस्चर ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आप बनाएंगी तो वो टूटते नहीं, नरम नहीं होते। कोई भी आलू के कबाब बनाती है ना, या बाज़ दफ़ा हम बीफ के इसके शामी का भी बनाते हैं तो सॉगी हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, जूसी सा हो जाता है थोड़ा मिक्सचर, तो उसमें कोई चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं, आप डो बना के उसका आटा वो मींस के सारा मिक्सचर बना के फ्रीज़र में आधा घंटा रखेंगे वो सेट हो जाएगा, या फ्रिज में 1 घंटा रख दें तो उसके बाद आप कबाब बनाएं तो बिल्कुल सही रहते हैं। अब हम बनाते हैं क्या, अब हम बना रहे हैं फ्रेंच टोस्ट। ये बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है फ्रेंच टोस्ट की, तो इसके लिए हम एक प्लेटर, बल्कि यही वाले ले लेते हैं,
यहाँ पे हमारे पास हैं 5 से 6-10 स्लाइस, बस इसी क्वांटिटी में बना रहा हूँ, आपने ज़्यादा बनाने होंगे। ये असल में ब्रेकफास्ट में होता है, नाश्ते में लोग बनाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इसको मुख्तलिफ करके बना रहा हूँ ताकि और मज़ेदार बने, क्योंकि अंडे की स्मेल अक्सर फ्रेंच टोस्ट में आती है, ठीक है। अक्सर फ्रेंच टोस्ट में अंडे की स्मेल रह जाती है, तो उस स्मेल को ख़त्म करने का भी तरीका बताता हूँ। एक आपने बॉल लेना है ऐसा चौड़ा जिसमें आपका स्लाइस पूरा डिप होके निकल आए, ठीक है। एक प्यालो खणन दो जैमें ताजा स्लाइस पूरा डिप थी कढ़ी वो उनमें, इनमें ऐसा विझंदी 2 अदद अंडा, ठीक है, 2 अदद अंडे। अंडों को पहले तोड़ के देखिएगा, बार दफ़ा अंडे ख़राब भी होते हैं अंदर से। 2 अदद अंडे ले लिए, अंडों को हल्का सा आपने फेंट लेना है। गोल प्याली ना हो जिसमें आपकी डबल रोटी डले तो टूट जाए, ऐसी कोई प्याली आपने हाथ में नहीं लेनी है, ठीक है। अंडों को फेंटा, बहुत ज़्यादा झाग नहीं बनानी कि हमने अंडे को इतना नहीं फेंटना है कि कबाब डाल के डिप करके उसमें कोट करना है, बस हल्का सा आपने अंडा फेंट दिया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध, दूध कच्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1/2 कप दूध या 1/2 कटोरी दूध इस तरह ले लें, पूरा पैक ज़्यादा नहीं डालना है, 1 कप से थोड़ा कम होना चाहिए, ठीक है। हे 1/2 कप का थोड़ो मथे खीर हलियो वो, 2 अदद बेदा हलिया व्या, ठीक है। अब इसमें क्या डालेंगे, पिसी हुई चीनी, चीनी साबित भी डाल सकती हैं, फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसलिए इसमें पिसी हुई चीनी, चीनी को ग्राइंड करके डालें, वरना बारीक चीनी लें, मोटी दाने वाली चीनी होती है ना, वो फिर हल नहीं होती है। तो इसमें चीनी कितनी डालेंगे, 1 खाने का चम्मच, 2 खाने के चम्मच, 3 खाने के चम्मच और ये हो गया 4 खाने के चम्मच, ठीक है। अगर साबित चीनी भी डालनी तब भी इतनी ही डालनी है, लेकिन बारीक कोशिश करें बारीक वाली चीनी हो ताकि वो अच्छी सी मिक्स हो जाए। खंड जो विझंद हो तो खंड पीसे विच जो ग्राइंडर में करना है तो बारीक खंड इस्तेमाल कर जो एक मोटे दाने वाली खंड दी है तो मिक्स थी नथी मैंने अंदर रहजी में दिया दाना। अब इसमें डालेंगे ये है सिनेमम पाउडर यानी दारचीनी का पाउडर, ठीक है। दारचीनी को आपने ग्राइंड करके या इमाम दस्ते में कूट के इसका पाउडर डालेंगी 1/2 चाय का चम्मच, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देता है दारचीनी का पाउडर, ज़रूर आपने ऐड करना है। दारचीनी जो मिठी काठी होती है ना, उनके ग्राइंडर में कुटे वठो या हलाई वठो या उखरी मोरी में बारीक कुटे, वो इनके अंदर भी जो छन्नी होती है ना, ये चाय की छन्नी होती है मेरे पास है स्ट्रेनर, इसमें छान लीजिएगा। अगर आप कूट के बना रही हैं ना तो उसमें फिर भी थोड़े थोड़े पीसेस रह जाते हैं, आपने डाल के छान के आपने 1/2 टीस्पून जितनी ये डाल देनी है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जर्दे का रंग, इसको थोड़ा सा कलर देने के 1/4 टीस्पून, तो ताकि इसके इसमें थोड़ा सा गोल्डन सा कलर बनेगा, ठीक है। जर्दे का रंग डालने के बाद अब मेरे पास क्या है, वनीला एसेंस। वनीला एसेंस जो हम केक में डालते हैं, ये किस लिए यूज़ होता है, केक्स वगैरह में हर चीज़ में, अंडों की स्मेल ख़त्म करने के लिए इसका काम ये होता है। तो अंडों की स्मेल ख़त्म करने के लिए इसकी जो ये ढकनी है ना, ये कवर है, इसी को आपने डाल देना 1, यानी ये बन जाएगा 1/2 टीस्पून, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। 1/2 चाय के चम्मच जितनी यही ढकनी नंढी होंगी तो ये भरे विझंदो इनमें वनीला एसेंस। अब ये चीज़ें डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको बीट करना है हल्के हाथ से सब चीज़ों को। दूध अभी भी मैंने रखा हुआ है, पूरा नहीं डाला, अभी थोड़ा सा दूध बच गया, इसके अंदर डालेंगे। सब चीज़ें अंडों में मिक्स हो गई, दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, वही पूरी रेसिपी रिपीट कराएं पे। फ्रेंच टोस्ट डाटी ज़बरदस्त रेसिपी है। जर्दे का रंग थोड़ा सा और डालूँगा ताकि इसका कलर थोड़ा अच्छा आ जाए, क्योंकि अंडों का कलर जो है वो दूध में जाके थोड़ा लाइट हो जाता है, तो ये इससे गोल्डन सा कलर बन गया। 2 अदद अंडे फेंट के आपने, बहुत ज़्यादा नहीं फेंटने, नॉर्मल फेंट के डाले, उसमें 1/4 कप दूध डाला। दूध डालने के बाद ये 6 स्लाइसेस किए, अगर ज़्यादा स्लाइसेस हैं फिर आपने हर चीज़ बढ़ानी होगी, अंडा ही बढ़ाना होगा। दूध डालने के बाद इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच आपने डाल देनी है पिसी हुई चीनी या बारीक चीनी, इसको अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इसमें आपने डालना है क्या, इसमें आपने डालना है जर्दे का रंग थोड़ा सा कलर देने के लिए, ताकि अंडे जैसा कलर आए इसमें, ठीक है, जर्दी जैसा। उसके बाद आपने दारचीनी का पाउडर बना के इसमें 1/2 चाय का चम्मच डालना और वनीला एसेंस डालना है 1/2 चाय का चम्मच, अच्छी तरह मिक्स किया, ठीक है। 2 अदद बेदा फेटिया, 1/2 कप का मथे, 1 कप का थोड़ा घट खीर विझंदासी, काफ़ी हों बस ही 4 खां 5 स्लाइस इनमें थी। इनमें खंड पीठल 5 खंड जा चमचा या पो बारीक खंड विझंदो, चंगी तरह मिक्स करो ताकि मीठो थी वे। दारचीनी मिठी काठी का पाउडर 1/2 चाय जो चमचो, वनीला एसेंस जो ही बोतल होंगी है नंढी हर जगह मिलंदी है एड़ी बोतल, हे तुम विझंदो इनमें 1/2 चाय जो चमचो, ठीक है। जर्दे जो रंग थोड़ो सो विझंदो इनमें, इनके मिक्स करो चंगी तरह, मिक्स हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो डबल रोटी के स्लाइसेस है ना, ये करने हैं हमने फ्राई। ब्रेक जो टाइम था ना पे
ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको बिल्कुल क्लियर कर दें, पानी वानी कुछ भी ना हो। हल्का सा लेंगे कुकिंग ऑयल या बनस्पति घी, बहुत ज़्यादा नहीं, हाफ कप जितना, आधे कप जितरो बनस्पति घी या कुकिंग ऑयल खाओ। ठीक है, इसको करेंगे गरम। ये बहुत अच्छी है सुबह नाश्ते में बनाएं, डिफरेंट पराठे, अंडे, ब्रेड, ये चीज़ें हम सब खा रहे होते हैं इस तरह नाश्ते में संडे वाले दिन, या नॉर्मल बच्चों को ब्रेकफास्ट में दें, नाश्ते में दें, बहुत अच्छी चीज़ है। लंच बॉक्स में बच्चों को बना के दें। ये मैंने ज़्यादा बनाया, इसमें 6 स्लाइस बनेंगे, फिर आप एक अंडे से बनाएंगी तो 3 स्लाइसेस बन जाएंगी। ठीक है, बच्चों को नाश्ते में दें, ब्रेकफास्ट में दें, खुद खाएं, मेहमान आते हैं शाम में चाय के साथ भी बना के रख सकती। बहुत ज़्यादा घी गर्म नहीं होना चाहिए, ऑयल बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, वरना इसका कलर जो है ब्रेड का वो ख़राब हो जाएगा फ्राई होने के बाद। ठीक है, बहुत एहतियात से आपने बनाना है इसको। हाँ, मीडियम फ्लेम से असा इतने ऑयल गर्म करना से या घी, ये ब्रेड उठाई इसके अंदर रखी। ठीक है, इसको हल्का हल्का प्रेस करें, बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ना, इसमें कोटिंग आनी चाहिए ब्रेड के ऊपर। ये देखिए दूसरी ब्रेड उठाई, 6 स्लाइसेस आपके बनेंगे इसमें, और जो मिक्सचर बच जाए उसका आप ऑमलेट बना दें, मीठा ऑमलेट बन जाएगा। ठीक है, ये हो गई, इसको उठाया इस तरह उठा के, और ये आपने छोड़ देना इस तरह। ठीक है, फिर दूसरा स्लाइस उठाया, जगह कम है तो एक एक करके बनाएं। स्लाइस को बहुत ज़्यादा डिप करेंगी, ज़्यादा देर छोड़ेंगी फिर वो टूट जाएगा इधर हाथ पे ही आपके। ठीक है, टूटी पैंदो स्लाइस वधी के इनके छड़ो ना है। ये जो साइड में अंडा आ रहा है कोई बात नहीं, इसको आप इसके ऊपर कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाँ जी, क्या बना रहे हैं आप? मैं अभी तो चटखारा कबाब बनाए थे, अब फ्रेंच टोस्ट बना रहा हूँ। बहुत दिन कर रहा था, मैं चाय पी रही थी, मैंने कहा चलो फैसल को बोलूं, जरा पार्सल तो करना। आ जाए, यहाँ आ जाए ना चाय लेके थर्मोस। नहीं नहीं नहीं, आप चाय थर्मोस में डाल के आ जाए, हमने भी नहीं पिए चाय की शाम की। अच्छा चलो ठीक है, आप पहुँच रही है, बस पहुँच जाए। बहुत अच्छी, मैंने कहा बनाई रेसिपी, मैंने कहा चलो फोन करूँ, और मैंने आपके अभी उसमें यूट्यूब पर ही देखा था प्रोग्राम, दो दिन में देख ही सकी थी ना, तो वो मैंने देख लिया था। अच्छा अच्छा, और कैसी हैं आप? ठीक हैं, घर में सब खैरियत है? जी जी, अल्लाह का शुक्र सब ठीक ठाक। चले ठीक है, आप ठीक है? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, चले ठीक है, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको देर नहीं छोड़ना है, इसको हल्के 2 स्पून से आपने पलटाना है। देखिए इस तरह इसके ऊपर कलर आना चाहिए गोल्डन सा। ठीक है, इस तरह सा गोल्डन सा। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा आपने ऑयल इस तरह, या घी या बटर में भी कर सकते हैं, लेकिन बटर डायरेक्ट नहीं कीजिएगा, बटर डालती हैं तो फिर आपने क्या करना है, उसको आपने ऑयल या घी के साथ मिला के डालना है। ठीक है, वरना बटर जलना शुरू हो जाता है। देसी घी में बनाती हैं, सर्दियाँ हैं तो देसी घी में बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। ठीक है, माखी भी विझंदासी जे मथा ही ॾिसो जो हीअं कलर अचणु खपे, ऐसा कलर आना चाहिए। अभी इसके ऊपर शहद भी डालेंगे। ठीक है, अगर शहद आपके पास मौजूद है तो आप शहद भी डालेंगे इसके ऊपर, बच्चे बहुत बच्चों के लिए फ़ायदेमंद ये रेसिपी। इसमें अंडे भी हैं, इसमें शहद भी जाएगा, और इसमें ब्रेड भी है। ठीक है, इस तरह ये कलर आएंगे, और इसको हमने उठा लिया, इसका ऑयल थोड़ा सा निकल गया, हल्का सा ही पकड़ा, इसको आपने यहाँ पे रख दिया। ये दूसरा उठाया, इसको पलटाएं, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, इसमें बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, बड़े ज़बरदस्त ही, बहुत ज़्यादा मीठे भी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा नॉम फीके भी नहीं होंगे, बड़ा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा, और अंडों की स्मेल अक्सर जो होती है ना वो इसमें कभी भी नहीं आएगी, निकल जाएगी। ठीक है, चूल्हा बंद कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ इसमें धुआं बन रहा है, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया, और ये जो इसके ऊपर पार्टिकल्स बन जाते हैं ना, ये आपने निकाल देने। धुँ जेको अचे तो ना ओडी माल तां छा कंदा कयो, चूल्हे खे बंद कई छंदा कयो। चूल्हो बंद करण खां छा थींदो, कि हिन जे अंदर थोड़ी टेम्परेचर डाउन थींदो, ऐं जेका पीसिस अचनि था न, थोरा कारा थी था वञनि, हीअ पोइ कढी वठिजो। ये निकाल दिए, अब हमने क्या करना है, दोबारा लेने हैं स्लाइस। ये डिप किया इस तरह, हल्का सा दबाया, फिर ये उठाया, इसको आराम से इसके ऊपर रखा। दालचीनी ज़रूर डाला करें, बहुत फ़ायदेमंद है दालचीनी, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है, दालचीनी बहुत अच्छी चीज़ है। दालचीनी का पाउडर इसमें डालें तो फ्लेवर भी बड़ा ज़बरदस्त आता है। ठीक है, ब्रेक जो टाइम थी ही, मैं एक स्लाइस खड़ी इतने सजा फ्राई करना शुरू किया, तो जिससे वो तक शॉर्ट ब्रेक ब्रेक का पहुँचें, जो अगर जो प्रोसेस करना। Thank you.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हां साम्हूं जेके कबाब ठही विया ऐं हाणे हिन जो जेको फ्राई थिए पियो इहे बि असां कढूं था, ठीकु आहे। इहे जो है फ्रेंच टोस्ट, इहे मां निकालता जा रहा हूं साथ साथ और यहाँ पे फ्राई करता जा रहा हूं, ठीक है। ये आप देख सकती हैं बड़े ज़बरदस्त हमारे बन रहे हैं फ्रेंच टोस्ट। एक एक पीस करके उठाते जाएँ, उसको फ्राई करते जाएँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, बहुत ज़्यादा धुआं मुझे लग रहा होता है ना कि आ रहा है, तो फिर आप बंद कर दिया करें। इससे क्या होता है कि आपकी जो रेसिपी है ना वो ख़राब नहीं होगी, जलेगी नहीं। इस तरह इसको पलटाते जाएँ, हल्का हल्का दबाएँ ताकि अंदर तक ये कच्चा ना रहे। इनके हल्को हल्को दबाइंदा रहो ताकि ही अंदर ताई कच्चो ना रहे, ठीक है। बेदो जो है ये कोटिंग सुठी अचे, पचे सुठो, जो टेस्ट सुठो अचे, बस सड़े ना। अभी उठाया इस तरह, दोनों तरफ से चेक करें कलर अच्छा आ गया इसका गोल्डन। ये आपने उठाया, ये इसके ऊपर डाल दिया। इस प्लेटर में तीन आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है, तो मैं इसमें तीन डाल रहा हूँ, बाकी फिर हम दूसरे प्लेटर में डालेंगे। टेम्परेचर अप डाउन आप करते जाएंगे। अब दोबारा अभी ये देखें, पाँच से छः स्लाइस का था, मेरे पास पाँच स्लाइस हैं, तो इसी में मिक्स करते रहना। ये ना हो कि दार चीनी नीचे बैठ जाए सारी, ठीक है। हर चीज़ अच्छी सी कोट होके उसमें लगती जाए स्लाइसेज में, सब शयों स्लाइसेज में कोट थी। पंज स्लाइस हुआ वडा था ही पूरो थी हुआ, छः स्लाइस तीन भी करे सको था, लेकिन पंज स्लाइस। अच्छा, छः स्लाइसेज अगर आपके पास करने हैं ना, तो फिर आप इसमें दूध थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, एक कप पे ले जाएगा दूध को, ठीक है। तो हमने पांच स्लाइसेस थे, तो उस हिसाब से मैंने इसमें दूध कम डाला था। और अगर कम स्लाइसेस हैं तो फिर आप एक अंडे से बनाएंगे, हाफ कप से भी कम दूध डालेंगे, ठीक है, क्वार्टर कप दूध डालेंगे। अभी देखें ये प्लेटर भी खाली हो गया, कोई ज़ाया नहीं हो रहा अंडा वगैरह। और अगर बच जाता है थोड़ा सा मिक्सचर, तो उसको आप ऑमलेट की तरह बना लें, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी थी हो। और एक प्लेट और ले लेते हैं, दो पीस हम इसमें लगा देते हैं। इसके बाद इसके ऊपर दो चीज़ें और भी डालेंगी, वो ऑप्शनल हैं। आप सिर्फ इस तरह भी खा सकती हैं, बच्चों को दे सकती हैं। अगर शहद डाल के देना चाहती हैं, आप चाह रही हैं कि बच्चे खाएं शहद है, अगर आप देते हैं बच्चों को, तो आप वो भी डाल सकती हैं, ठीक है। ये भी थी हो। अभी स्लाइस उठाएंगे, हल्का सा इसका ऑयल निकल जाए। उठाया, ये दो स्लाइसेस हमारे हो गए। फ्रेंच टोस्ट वैसे बनाते हैं, बहुत से लोग बनाते हैं, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा चेंज करके बनाया इसको ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया। अब इसके ऊपर जो आपको पार्टिकल नज़र आ रहे हैं ना, ये भी ब्रेड के ही स्लाइसेस होते हैं, तो ये आप हटा दिया करें इस तरह करके। ये देखें इनके ऊपर आ रहे हैं ना, ये कोई मसला नहीं, आप ऐसे हाथ से हटा दें आस्ते आस्ते करके, ठीक है। डबल रोटी जो स्लाइसेज अचन था ना, थोड़ा पार्टिकल्स ही था, हथ से खड़ी वो जो था, कोई मसला ना हो। ये हटा दिया। अब इसके ऊपर हम क्या डालने वाले हैं, अब हम डालने वाले हैं यहाँ पे पिसी हुई चीनी, ठीक है। पिसी हुई चीनी छन्नी ली आपने इसके ऊपर यूँ, ये भी ऑप्शनल है, ठीक है। ये भी अच्छी लगती है, बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा जो डोनट्स होते हैं ना उनके ऊपर डली होती है, बिस्किट्स के ऊपर डली होती है पिसी हुई चीनी आपने इस तरह। इससे क्या होता है, खूबसूरती आ जाती है, हल्का सा मीठा हो जाता है, ज़्यादा नहीं। पीठल खंड थोड़ी थोड़ी चाय जी छाणी सा गड इनजे मथा हीअं विझंदो। इनका छा थींदो, स्लाइस ते खूबसूरती अची थी वञे ऐं खाइण में भलो लॻंदो आहे। चाय की छन्नी के ज़रिए हाथ से नहीं डालिएगा, ठीक है, चाय की छन्नी से हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा मीठा भी ना हो जाए। बस ये हो गया। अब इसके ऊपर लास्ट में हम डालेंगे शहद। माखी तां आहे ना घर में, अगर ॿारनि खे ॾींदा आहियो नाश्ते में, त माखी हिन में विझी ॾिजो। पार्टिकल्स मां हटाई छॾां थोरा थोरा। अब शहद लेंगे स्लाइस के ऊपर, आपने बच्चों को शहद देनी है, तो इस तरह आप शहद डाल के लें, बड़ा ज़बरदस्त बनेगा ये स्लाइस। नाश्ते की बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। ये देखें, नहीं है तो आप सिर्फ सादे खाएंगे, ठीक है। सादे भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं चाय के साथ। माखी इंजे मथा अची वही, तो एक एक खाने का चम्मच या एक एक चाय का चम्मच ये मैंने डाल दिया। ज़रूरी ना है कि माखी ना आए तो ना ठाहियो, बगैर माखी जी भी ठही वेंदा आहिनि, ठीक आहे। बेहतरीन रेसिपी तव्हांजे साम्हूं फ्रेंच टोस्ट ऐं हिन सां गॾु चटखारा कबाब। चटखारा कबाब बहुत ही ज़बरदस्त हैं, ज़रूर बनाइएगा। आलू के हैं, इस तरह बनाएं, आपको लगेगा नहीं कि आलू के कबाब खा रही हैं। और सफ़ेद चावल के साथ खाएं इसको, रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ। घर में आप दावत कर रही हैं, चिकन की, बीफ की कोई रेसिपीज़ बना रही हैं, तो उसके साथ आपको एक अलग से कोई चीज़ चाहिए, कबाब वगैरह, तो आप चटखारा कबाब बना के रखें। बहुत ही ज़्यादा पिकनिक पे लेके जाएं, बना के बच्चों को भी दे सकती हैं, बड़े बच्चे जैसे स्कूल में ले जा सकते हैं, छोटे तो नहीं। छोटों के लिए मैंने आपको डिफरेंट चीज़ें सिखाई हैं। कल हमारे पास होंगी गेस्ट, दो गेस्ट आ रही हैं,
वो एक डिफरेंट सी रेसिपी बना रही हैं, ठीक है, उनकी वो डिफरेंट रेसिपी है। एक वो मीठा बना रही हैं, नाम भी बड़े डिफरेंट हैं, और एक वो बिरयानी बना रही हैं, ठीक है, चांद तारा बिरयानी में हमें उन्होंने नाम बताया था, वो डिफरेंट किस्म की बिरयानी है। दो गेस्ट होंगी एक साथ और बड़ा ज़बरदस्त सा प्रोग्राम होगा, पहले भी आ चुकी हैं हमारे पास, तो कल का प्रोग्राम मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। यूनिक बिरयानी है, डिफरेंट सी उनकी अपनी होममेड रेसिपी है, तो ये ज़रूर मिस नहीं कीजिएगा, देखिएगा। कल सुबह ये रिपीट चलेगा 9 बजे, ठीक है, कल सुबह हमारा प्रोग्राम रिपीट चलेगा 9 बजे, ठीक है। उस पर आप देख लीजिएगा, कोई चीज़ मिस हो रही होती है, लाइट का इशू हो रहा है, तो सुबह 9 बजे रिपीट देखें। कुकिंग विद शेफ़ फैसल या कुकिंग विद फैसल भी सर्च करेंगी तो आपको यूट्यूब पे हमारी तमाम रेसिपीज़ जो रात तक यहाँ पे अपलोड हो जाती हैं, जो सुबह के टाइम हमारा प्रोग्राम 9 बजे रिपीट चलता है, तो रात को अब मैं लाइव के बाद हमारा 2 घंटे के बाद ही अपलोड हो जाता है, ठीक है, तो आप ये भी देख सकती हैं आराम से। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चटखारा कबाब और उसके साथ फ्रेंच टोस्ट, शहद के बगैर भी आप खाएंगी, शहद पर डाल के भी खा सकती है, वो आपकी मर्ज़ी, दोनों तरीके से बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। कल रिपीट में देखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कल आप लोग से मुलाकात होगी। सुभाणे 9 बजे रिपीट हलंदो, ऐं कुकिंग विद फैसल यूट्यूब ते सर्च कंदो, तमाम रेसिपीज़ उते अपलोड थी वेंदियूं। शाम जो 7-8 बजे ताईं असांजो प्रोग्राम अपलोड थी वेंदो आहे, त आसानी आहे तव्हांखे, अगरि लाइट जो इशू आहे त उते ॾिसी सघो था, न त 9 बजे रिपीट में ॾिसिजो। 03142675311 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वॉइस मैसेज या मैसेज करके कोई भी बात करनी है, कुछ पूछना है अपने रेसिपी के बारे में, कोई लिंक चाहिए रेसिपी का, शेयरिंग चाहिए 5 किलो 10 किलो तक की भी रेसिपी के बारे में, बहुत सी बहनें पूछती हैं, मैं बता भी देता हूँ, तो वो आप पूछ सकते हैं बिला झिझक, ठीक है, वॉइस मैसेज या मैसेज करके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह सुभाणे मुलाकात थींदी, ब गेस्ट अचनि पियो, हिकु ज़बरदस्त बिरयानी, हिकु मिठो ठाहे पियो, ऐं शायदि हिकिड़ी ड्रिंक बि हूंदी, त सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी, तेसि ताईं दुआ में रखंदो अला। Cooking with Faisal तमाम एपिसोड दिसो हाणे HD क्वालिटी में, विजिट कयो असांजो YouTube चैनल सिंध टीवी HD कुकिंग शो।